गुज़िश्ता साल 2023 में पेश किया जाने वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बिल सेनेट से मंजूर हो गया। अब कोई भी मसीही लड़का या लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी नहीं कर सकेंगे। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में तरमीम का बिल स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखला की मंजूरी के लिए सेनेट इवान में वोटिंग के लिए पेश किया गया था। ये बिल सेनेटर कामरान माइकल ने गुज़िश्ता साल सेनेट में पेश किया था। आज सेनेटर कामरान माइकल ने इस बिल पर बहस की और बाद अजां बिल की मंजूरी हो गई। मंजूर शुदा बिल के मुताबिक मसीही लड़के और लड़की की उम्र 18 साल की होगी। इससे पहले लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की 16 साल थी। इस बिल की मंजूरी के बाद नाबालिग व कम उम्र जबरदस्ती मजहब तब्दीली व शादी करवाने की रोकथाम के लिए कारगर साबित होगा। हमारी नौजवान लड़कियों को जबरी तब्दीली मजहब और जिंसी इस्तेसाली से बचाने के लिए ये एक अहम पेशरफ्त होगी। ऑनरेबल सेनेटर कामरान माइकल जी, प्लीज ऑर्डर नंबर 14 मूव करें। जी चेयरमैन साहब, मैं इससे पहले कि ये ऑर्डर जो बिल है जो मूव करूं, मैं कुछ कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जी प्लीज। ये पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट से रिलेटेड है और इसमें हमने जो वो प्रपोज की थी अमेंडमेंट्स, उसके मुताबिक हम चाह रहे थे कि एट द टाइम ऑफ मैरिज जो बेटी और बेटे की एज हो वो 18 साल प्रपोज की गई थी। जो पहले एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें 14 साल और 16 साल रखी गई है। तो इसको जब कमेटी के सपोर्ट किया गया तो कमेटी में इस पर बहस हुई और कमेटी ने जो प्रपोज किया और जो फर्दर यहाँ पर अमेंडमेंट के लिए यहाँ भेजा पास करने के बाद, अप्रूवल के बाद, उसमें 16 साल लड़की की एज है एट द टाइम ऑफ मैरिज और 18 साल लड़के की है। मैं ये गुजारिश करूंगा आपकी सांसद से हाउस में कि जो हमारी ओरिजिनल शेप में हमने यहाँ पर अपना बिल रिड्यूस करवाया था वो 18 साल है दोनों, जिसमें तमाम हमारी डिनोमिनेशंस, तमाम चर्चेस की कंसेंसस मौजूद है। ये पर्सनल लॉ है, इसमें मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से लिया जाए जैसा कि हमारी जो डिनोमिनेशंस हैं, चर्च हेड्स हैं, उन्होंने प्रपोज किया है। कामरान माइकल साहब, ये कमेटी से तो आया था डिफरेंट, अभी आप अमेंडमेंट भी इसमें डालना चाहते हैं? सर वो अमेंडमेंट नहीं है, मैं चाह रहा हूँ एज इट इज जो हमारा जो ओरिजिनल बिल था बिफोर उसे कंसीडर किया जाए बिफोर द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी जो बिल था। प्लीज प्लीज ओरिजिनल मैं पढ़ देता हूँ। जी जी मौलाना जी, एक मिनट जी मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको देता हूँ। जी मौलाना फैज मोहम्मद साहब प्लीज। ये जो ऐसे मसाइल है ना, ये कुरान हदीस के खिलाफ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, सलासुन या अली ला तुअख्खिर हुन्ना, अली तीन चीज़ें हैं उनमें देर न करना, नमाज का टाइम, जनाजा और बच्ची जब बालिग हो। वो शरीयत ने बुलूगत पे रखा है और तौरात के अंदर ये है कि 14 साल से पहले बच्ची बालिग हुई उसको उसका निकाह कराओ। क्यों अभी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं 16 साल और 18 साल? अल्लाह से डरे। फैज मामा साहब, एक तो ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, ये उनका बिल है तो इसलिए उनकी भी सुन लेते हैं। जी कामरान माइकल साहब प्लीज। मैं चेयरमैन, ये क्योंकि स्टेट लॉ नहीं है, ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है जो पर्सनल लॉ है, जो क्रिश्चियन से रिलेटेड है, हमारी शादियों से रिलेटेड है और ये हमने बताना है, किसी और ने नहीं हमें बताना कि हमने कैसे चलना है, ये हमने बताना है। तो मैं इसे प्रपोज कर रहा हूँ। I beg to move that the bill further to amend जी, the move करें। I beg to move that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. अभी आप Standing Committee वाले पे amendment चाह रहे हैं ना जी? With amendment, ठीक है जी, वो मैं अभी House में put करूँगा। ठीक है। Is it opposed, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, please? No, sir, we don't oppose it. Okay. It has been moved that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christians Marriage Amendment Bill 2023, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill, clause 2. The question is that clause 2 do form part of the bill. Clause 2 mein amendment ab aap padh lein please. Ji Senator Kamran Michael, please move the amendment. Amendment unke paas hai? Nahi, abhi pahunchi nahi hai mere paas. Verbally jo aapne move karna hai wo kar dein, jo aap original bill pe keh rahe the. Ji acha sir, usme amendment hum ye propose kar rahe hain ki jo
हमारी एज है जो ओरिजिनल बिल है वो 18 साल हमने प्रपोज की है, जिसमें तमाम डिनोमिनेशन की कंसेंसस मौजूद है, इसे 18 ही कंसीडर किया जाए बेटी और बेटे दोनों के लिए। जी, दोज हु आर इन फेवर ऑफ इट में से आए, दोज अगेंस्ट इट में से नो। आई थिंक द आइज हैव इट द अमेंडमेंट इज कैरिड। The question is that clause 2 as amended do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. Clause 2 as amended in the House stands part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, the clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 15. Honorable Senator Kamran Michael, please move order number 15. I beg to move that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend the Christian Marriage Act 1872, the Christian Marriage Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill is stand passed.